गुलबर्गा कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स ने आज सुपरमार्केट के दुकानों से प्लास्टिक बैग और दिगर प्लास्टिक के सामान को सीज किया है। कुछ दिन पहले लोकायुक्त एसपी जॉन एंथोनी ने गुलबर्गा सुपरमार्केट का सर्वे कर पूरी मार्केट के गार्बेज में भारी तादाद में पड़ी प्लास्टिक को देख कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स को स्पॉट पर बुलाकर नाराजगी जाहिर की थी। लोकायुक्त एसपी जॉन एंथोनी सर ने कॉरपोरेशन जोनल 3 के सैनिटरी इंस्पेक्टर को आदेश दिया था कि जल्द सुपरमार्केट की गंदगी को साफ करें और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक्शन लिया जाए। जॉन एंथोनी सर के सर्वे के बाद आज कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स ने सुपरमार्केट के दुकानों में रेड दाल प्लास्टिक सामान को सीज करते देखे गए हैं। सभी दुकानों से प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक ग्लास और दीगर प्लास्टिक से बने सामान को सीज किया गया है। इस तरह दुकानों में प्लास्टिक सामान को सीज करता देख सुपरमार्केट के छोटे दुकानदारों ने गुस्सा जाहिर कर कहा, प्लास्टिक बैग और दीगर सामान बनाने वाली कंपनी को बंद करने के बजाय कॉरपोरेशन के ऑफिशियल छोटी दुकानों पर रेड दाल गरीब कारोबारियों को परेशान कर रहे हैं। दुकानदार और आम जनता ने कहा, बड़े बड़े मॉल और डीमार्ट जैसे स्टोर में भी प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, पर कॉरपोरेशन के ऑफिशियल सिर्फ छोटे दुकानदारों को परेशान करते आ रहे हैं। लोगों की शिकायत और कॉरपोरेशन के ऑफिशियल्स ने क्या कहा, आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। क्या करे सरकार, तो उसके पीछे पड़े हुए, ये बनाने वाली कंपनी को बैन करो, बनाने वाले कंपनियों को भी अपर करे हुए, ये जो यूज करे उनके ऊपर एक आदमी बात करो। मेरा नाम मेलकिरी बाबूराव, मैं एक महानगर पालिका में एनवायरमेंट इंजीनियर करके काम कर रहा हूँ। मैं और मेरा टीम आज मार्केट में प्लास्टिक रेट करे, एवरी थर्सडे कमिश्नर के डायरेक्शन के ऊपर हम प्लास्टिक रेट कर रहे है। आज हमने मार्केट में रेड करके 900 केजी प्लास्टिक जब्त किया है और हमको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पुलिस डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट वाले कोऑपरेट कर रहे हैं। और मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट है सिटीजन से कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक मत यूज करिए, जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे एनिमल्स जो है उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनके पेट में जाके उनको अलग अलग बीमारी होते हैं, ये पानी में, ये ड्रेनेज में जाके सब ब्लॉक होते हैं प्लास्टिक और प्लास्टिक के बॉटल। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है सभी से, सिटीजन ऑफ कलबुर्गी से, प्लास्टिक यूज करना बंद करो, उसके बदले में आप कपड़े का एक बैग लेके आओ, अगर नहीं लाए तो भी आप हमारे, हमने एनजीओ के साथ टाई अप किया है, वो सस्ते में आपको कैरी बैग देंगे, कपड़े का कैरी बैग देंगे, जो मार्केट में अगर 10 रुपए में मिल रहा है तो हम 5 रुपए में देने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए हमने एनजीओ से टाई अप भी किया है। इसलिए मैं सिटीजन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सब हमको कोऑपरेट करके कि हमारे कलबुर्गी सिटी को स्वच्छ और ग्रीन बनाने के लिए मदद कीजिए। नमस्ते। कौन सा कपड़े का बैग? कपड़े का बैग है एनजीओ से, एनजीओ के साथ टाइप करे, कॉर्पोरेशन में ऑफिस में नहीं मिलेगा, जो एनजीओ है ना उनके पास मिलेगा, वो लोग अभी सिला रहे, सिलाने के हाँ टाइप करे, सिला रहे मतलब लोगों को हेल्प करने के लिए कोशिश कर रहे, लेकिन हम वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे आपको, ऐसा है हम एक साइड सब्सिडी में बता रहे, लेकिन वो माल सर ये बड़े स्टोर वालों को आप तक समझ नहीं कर रहे। जैसे 100 डिमांड है यहाँ पर, 50,000 का भी माल लेते हैं, 15 रुपए की थैली अलग से पैसा लेते हैं, आप उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं? वो कपड़े का थैली है ना, कपड़े का थैली हमको पैसे में मिलती है, 50,000 का माल लेने के बाद में 15 की थैली हमको पैसे में देते और वो पैसा ऐड नहीं करते, तो कॉर्पोरेशन वाले उसके ऊपर क्या एक्शन ले रहे? नहीं उसके नहीं, वो लोग एक्चुअली प्लास्टिक थैली, प्लास्टिक थैली ब्रांड है, सामने बोलो आप मेरे को कैमरा ले सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन सर पब्लिक के लिए, अभी मैं मेरी वाइफ को ले गया, 1600 रुपए का सामान लिया, 1600 रुपए का सामान लिया डिमांड का, ठीक भैया 16, बिल देने के बाद बोलता है थैली हमके थैली जेब में रख के घूमने का, फिर वो 15 रुपए की 20 रुपए की थैली देता है, आप लोग उसके ऊपर क्यों नहीं एक्शन लेते? मैं ये पूछ रहा हूँ उनके ऊपर एक्शन नहीं लेते सर, पब्लिक के लिए तो सर, सर एक आप साथ के घर लेके जा रहे हैं, साथ में माल लेके जा रहे हैं, माल आपके घर लेके जा रहे हैं, आप उसको 90,000 का पूरा मीडिया को बुला लिया, करोड़ का ले लीजिए सर, आप ले रहे हैं ना, क्वेश्चन नहीं पब्लिक के सेफ्टी के लिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है बोला सर, क्या पब्लिक के फेवर के लिए क्वेश्चन कर रहा हूं, आप ऐसा ऑफिशियल क्रॉस क्वेश्चन नहीं, किधर भी फेंकू, मैंने पैसा दिया 1600 रुपया सामान खरीदा है, मुझे 10 रुपए की थैली मिलनी चाहिए, तो वो एक्शन आप क्यों नहीं लेते उनके ऊपर? मैं ये पूछ रहा हूँ भाजी पाला बेचने वाला नहीं सर, ऐसा नहीं रहता, चलते फिरते भी आप भी लेता है सर, आप ये गलत कर रहे हो, आप लोग आप लोग गलत कर रहे हो, एक एक्शन
keep silent. I am talking only one person. Don't shout out all of you. Okay, silent. I am also the responsible person, sir. I am also the responsible person for your market. एक आदमी बात करो आप, एक ही बात करो, फिर आप भी बोलते, ये भी बोलते, ये भी बोलते, आप पहले क्वेश्चन पूछे था, क्वेश्चन पूछे उसका, एक आदमी मजदूरी करके कमा रहा है, मैं को 25 रुपए का सामान ले, मैं पहली दिन भर लेके घूमू, अब मैं घर जा रहा हूँ काम करके। क्वेश्चन है आपको, बात सुनो सर, आप पहले क्वेश्चन पूछ के रुकना, मैं वही खाली तुम ऐसे पूछते बड़े स्टोर वाले आते हैं, ठीक है, आप लोग उसके ऊपर क्यों नहीं वो करते हो, यही है ना आपका बात, दो गरीब आदमी को परेशान करने के लिए आंसर तो सुनो, जब तुम एक खरीद करने के लिए जा रहे तो किसमें जाके दे रहे हो, एक पेपर के या कॉटन की थैली में लगा के दे रहे, आप समझे नहीं, नहीं तुम नहीं समझे, एक बात सुनो तो सही, जिसमें डाल के दे रहे हो जो अलाउड है, जो कॉटन का है, जो पेपर का है, ये हमारे लिए सबके लिए अच्छा है और ये एनवायरमेंट अच्छा है, और एक दूसरा चीज जो बैन चीज है, जो जो बैन चीज है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम गरीब आदमी है वो ले रहे ऐसा कुछ ये नहीं है, जिसको हम बैन करें सरकार तो उसके पीछे हम पड़े हुए, बनाने वाली कंपनी को बैन करो, बनाने वाले कंपनियों को अपर करे हुए, ये जो यूज करे उनके ऊपर एक आदमी बात करो, एक बात करना, लीगल आ रहा है, आप उनके ऊपर लीगल आ रहा है, वही क्यों इलीगल है, आपका प्रशासन इतना अगर टाइट है, चीज है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, साफ सफाई करो, पहले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जो चीज डाले वो चीज।